अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मंजर आज़म है और मैं डाओ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। जो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हम हार्ट के स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं फेडरल का कंटेंट भी यहाँ कवर करने जा रहा हूँ फॉर MDGATE के स्टूडेंट्स, और इंटर के स्टूडेंट्स भी समझ लें, बिकॉज अच्छी बात है कि आपको समझ में आ जाए ताकि जब आगे आपने एंट्री टेस्ट देना है तो आप भी इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकें। तो ये बहुत डिटेल टॉपिक होने वाला है, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। चलें, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम दिखाता हूँ जिसके थ्रू हम आज ये टॉपिक समझने जा रहे हैं। ये है आपके सामने एक दिल की तस्वीर, जो आप नॉर्मल दिल बनाते हो ना, ये वाला, ठीक है, वो ये वाला नहीं है। प्रॉपर दिल की डायग्राम इस तरह की होती है, एनाटॉमिकल डायग्राम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी बात करूँ तो हमने पहले कहा कि हार्ट जो होता है कॉनिकल ऑर्गन होता है। किस तरह कोन शेप्ड ऑर्गन है, कॉनिकल ऑर्गन है, और हार्ट जो है क्लोज करता है इसको एक सैक, उस सैक का नाम क्या होता है, पेरिकार्डियम। उस सैक का नाम क्या होता है, पेरिकार्डियम। और फिर हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, लेयर्स पढ़ी, ये मैं इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल एंड पेरिकार्डियम में, तो आप उसको ज़रूर देखें फिर इस टॉपिक पे आए, ठीक है। तो मैं हार्ट को डिस्कस करता हूँ। तो यार, मैं पहले हार्ट की एक रफली सी डायग्राम बनाता हूँ। हार्ट को अगर मैं सपोज करूँ इस तरह स्क्वायर शेप्ड है वो, तो हार्ट को मैं इस तरह चार चैम्बर में डिवाइड कर लेता हूँ। तो हार्ट के ना टोटल चार चैम्बर होते हैं। जो ऊपर वाले दो चैम्बर होते हैं इनको आप एट्रियम कहते हो या एट्रिया। एट्रिया होता है दो के लिए, कहते हो दो को एक साथ पढ़ोगे तो एट्रिया, और एक की बात करोगे तो एट्रियम, UM लग जाएगा, एट्रियम। सो ये एक, तो एक होता है आपका ये लेफ्ट एट्रियम और ये होता है आपका राइट एट्रियम। इसी तरह टोटल चार चैम्बर है ना हार्ट के, तो दो तो हो गए एट्रिया या एट्रियम। अब दो हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल जो है जिस तरह राइट एट्रियम है, जिस तरह ये लेफ्ट एट्रियम है, इसी तरह ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और जिस तरह ये राइट एट्रियम है, इसी तरह ये राइट वेंट्रिकल है। अब इसकी बात करें तो उसके बाद ना ये चार चैम्बर हो गए। अब इस चार चैम्बर के अंदर डिफरेंट आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आ रही होती हैं, निकल रही होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, वो एक तरह का पाइपलाइन की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो एक आपके हार्ट से ब्लड को लेके भी जाता है और लेके भी आता है। मैं इस डायग्राम के थ्रू समझाऊं। देखो, हमने जो अभी तक हार्ट के टोटल चार चैम्बर हैं, ठीक है, चार चैम्बर में से दो एट्रिया हैं, दो वेंट्रिकल हैं। ये जो पूरी चीज़ है आपकी, ठीक है, ये राइट एट्रियम है पूरा। ये पूरा ये क्या है, राइट एट्रियम है, और ये पूरा क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। तो राइट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम है, ये पहले दो चैम्बर हो गए। फिर ये है वेंट्रिकल, ये आपका हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक हो गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल को जरा गौर से देखो। अच्छा, चलो हम और डिस्कस करते हैं। तो ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ इंटर हो सकते हैं, आपस में इनके दरमियान कनेक्शन है, उसको हम कहते हैं ये एट्रिया है तो एट्रिया की वजह से क्या कहेंगे हम, एट्रियो, और वेंट्रिकल की वजह से वेंट्रिक्यूलर। एट्रियो ये वेंट्रिकल है तो वेंट्रिक्यूलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल। सो जो एट्रिया के अंदर ब्लड आएगा वो वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, किसके थ्रू, एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल के थ्रू। और जो एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल है, ठीक है, किसके, ये ठीक है, यहाँ पर भी है और एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल आपके राइट साइड पे भी है। अब देखो, कैनाल तो है लेकिन कैनाल का रास्ता बंद भी हो सकता है। तो जो आपकी लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल है, या आपका जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से सेपरेट किए गए हैं, ठीक है। इनके यहाँ पर एक वॉल्व मौजूद होता है, एक फ्लिप मौजूद होता है, एक ढक्कन जिसको लिड भी कह सकते हैं वो मौजूद होता है, उसको कहते हैं आप वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है, क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, AV वॉल्व, क्या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है, ये दो तरह के होते हैं। एक जो होता है आपके लेफ्ट साइड पे होता है, एक होता है राइट साइड पे। जो लेफ्ट साइड पे होता है आप उसको बायकस्पिड कहते हो, बायकस्पिड, क्या कहते हो, मेरी राइटिंग को छोड़ें बिकॉज मैं माउस से लिख रहा हूँ, बिल्कुल भी सही नहीं लिखा जाता। जो आपकी लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है ना वॉल्व, ठीक है, उसको आप कहते हो बायकस्पिड वॉल्व, ठीक है। बाय का मतलब होता है दो कस्प, यानी कि दो फ्लैप होंगे। तो जो ये वाला होगा ना, इसके दो फ्लैप होंगे, यहाँ से हमें नजर नहीं आ रही क्लियरली, बट इस तरह उसके ना दो फ्लैप होते हैं, तो इसलिए आप इसको कहते हो बायकस्पिड वॉल्व, या इसका दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। तो मिट्रल वॉल्व कहाँ होता है, लेफ्ट साइड पे होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल्व होता है जिसको बायकस्पिड वॉल्व कहते हो। लेकिन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है वो ट्राइकस्पिड होता है, उसके तीन कस्प होते हैं, ठीक है, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व कहलाता है। तो ये कौन से वॉल्व है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो बायकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड होता है और ये बायकस्पिड होता है,
इसी तरह तो ये दो वॉल्व ये हो गए, दो वॉल्व और भी हैं। एक ये रहा आपका है पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी एओर्टा। आपका जो ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा में जो ब्लड जाता है वो भी यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है एक वॉल्व की मदद से। इन वॉल्व को कहते हो आप सेमी लूनर वॉल्व। क्या कहते हो? सेमी लूनर वॉल्व। अभी जो सेमी लूनर वॉल्व होते हैं यानी कि आधे चांद की शक्ल के हैं, ठीक है, जो सेमी लून, देखो ये ऐसा नज़र भी तो आ रहा है ना, ऐसे हैं, देखो ऐसे जो सेमी लूनर वॉल्व होते हैं आपके, ये आयोटा के अंदर भी होते हैं, यानी कि इस आयोटा के अंदर भी होगा जो यहाँ पीछे से लेफ्ट से निकल रहा होगा। लेफ्ट से क्या निकल रहा है? लेफ्ट से जो ब्लड वेसल निकल रही है ना मेन, उसको आप आयोटा कहते हो, कौन सा? सिस्टमिक आयोटा। और ये जो आपके राइट से निकल रहा है इसको आप पल्मोनरी आयोटा कहते हो। तो सिस्टमिक आयोटा और पल्मोनरी आयोटा दोनों में आपके वॉल्व होते हैं जिनको आप क्या कहते हो? सेमी लूनर वॉल्व। क्या कहते हो? सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर ढक्कन होते हैं। इनका फंक्शन क्या है वो भी बताता हूँ, थोड़ा सुकून सुकून से चलेंगे। तो सेमी लूनर वॉल्व होते हैं जो आपके सिस्टमिक आयोटा के अंदर होंगे, आप इनको कहोगे आयोटिक सेमी लूनर वॉल्व। और जो आपके पल्मोनरी आयोटा में होंगे इनको कहोगे आप पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, तो हमने इसकी बात भी कर ली। यार ये वॉल्व का फंक्शन क्या है? वॉल्व का फंक्शन ये है कि आपके एट्रिया से ब्लड जब वेंट्रिकल में आ जाएगा ना, तो ऐसा ना हो कि वेंट्रिकल से ब्लड वापस आपके एट्रिया के अंदर चला जाए, ठीक है, इस काम को रोकने के लिए। इसके साथ साथ जो ये यहाँ पर होता है इसलिए होता है कि आपका ब्लड जो है ना राइट वेंट्रिकल से चला गया है आपके आयोटा, पल्मोनरी आयोटा में, तो ऐसा ना हो कि जब अगर इस पल्मोनरी आयोटा में प्रेशर बढ़ जाए तो ब्लड बैक फ्लो करके वापस इसमें आ जाए। तो जब ब्लड वहाँ से बैक फ्लो करके इसके अंदर आना चाहता है ना, तो ये बंद हो जाता है। क्या? जब ब्लड जो है आपके पल्मोनरी आयोटा से वापस आना चाहता है तो ये बंद हो जाते हैं, जाते हुए खुल जाते हैं। अगर आप यहाँ इनको नीचे से प्रेशर लगाओगे ना, अगर आप इनको यहाँ नीचे से प्रेशर लगाओगे तो ये खुल जाएंगे। सेम इसी तरह जो एओर्टिक सेमीलूनर वॉल्व है ना, ठीक है, जो आपके सिस्टमिक आयोटा का वॉल्व होता है उसके ऊपर भी नीचे से यहाँ से प्रेशर लगाओगे तो ये भी खुल जाएगा। ठीक है, उनको अगर यहाँ नीचे से प्रेशर लगाओगे तो ये भी खुल जाएगा, और इसको भी यहाँ नीचे से प्रेशर लगाओगे तो ये भी खुल जाएगा। आपने ये बात याद रखनी है, किसके लिए? ये नींद के लिए है। लेकिन अगर इनको ऊपर से बैकवर्ड प्रेशर लगाओगे, बैकवर्ड फ्लो करवाना चाहोगे ब्लड का, तो ये नहीं खुलेगा। अगर इस वॉल्व की बात करें जो आपके कौन से हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व हैं, ठीक है, ये तो सेमी लूनर वॉल्व थे ना, ये हैं आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व हैं इनको ऊपर से प्रेशर लगाओगे तो ये खुल जाएंगे, पर नीचे से बैकवर्ड प्रेशर लगाओगे तो ये बंद रहेंगे। नीचे से बैकवर्ड प्रेशर लगाओगे तो बंद रहेंगे, ऊपर से नीचे प्रेशर लगाओगे तो ये खुल जाएंगे। ये आपके इनकी प्रॉपर्टीज थी। तो ये प्रिवेंट क्या करते हैं कि आपका ब्लड जो बैक फ्लो ना करे, ये होता है आपके वॉल्व का फंक्शन। ठीक है, अच्छा, हमने चैम्बर्स की बात की कि टोटल चार चैम्बर हैं, जो दो एट्रिया हैं, ये एट्रिया है ये भी एट्रिया है, दोनों एट्रिया आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ दीवार। ये आपके फॉर एग्जांपल ये हो, ये तो ये एट्रियम है, ये आपका राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम आपस में एक दूसरे से सेपरेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेप्टम, SEPTUM, सेप्टम। जो सेप्टम होता है, जो दीवार होती है, ठीक है, दो एट्रिया के दरमियान भी होती है, दो वेंट्रिकल के दरमियान भी होती है। जो एट्रिया के दरमियान होती है ना वो मेम्ब्रेनस होती है, मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। जो वेंट्रिकल के दरमियान होती है वो मस्कुलर होती है। सो वो सेप्टम, वो दीवार जो दो एट्रिया के मौजूद, दो एट्रिया के बीच में मौजूद है, उसको आप कहते हो इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या कहते हो? इंटर एट्रिकुलर कहते हो या इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हो। और जो वेंट्रिकल के बीच में होती है नीचे मस्कुलर वाली, उसको आप इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हो। देखो ये जो ये है ना, पूरी मसल्स है, मसल्स को शो कर रहा है। तो जो आपके दो वेंट्रिकल के बीच में होती है इसको क्या कहते हो? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, फिर हमने ये जो हार्ट की वॉल है इसकी चार तीन लेयर्स होंगी, जो अंदर वाली होगी एंडोकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम जो मस्कुलर लेयर है, और सबसे बाहर होगी आपकी एपिकार्डियम। फिर उसके बाहर एक क्लोज जो आपका मेम्ब्रेन होगी, एक सैक होगा जिसको आप पेरिकार्डियम कहते हो। अच्छा, हमने इसकी बात की। इसके साथ साथ मैं और बात करूं जो आपकी इस बुक पे मेंशन नहीं है बट फेडरल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, और वो ये है कि आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा पूरा वॉल्व, ये वॉल्व है। लेकिन वॉल्व के साथ ये वाइट वाइट जो कनेक्टिव टिश्यू लगा हुआ है ना, ये वाइट कनेक्टिव टिश्यू, इसको आप कहते हो कॉर्डा टेंडिनाए। क्या कहते हो? कॉर्डा टेंडिनाए। कॉर्डा टेंडिनाए जो होते हैं एक तरह का स्ट्रिंग होता है। क्या होता है? कॉर्डा टेंडिनाए, जो आपका ये वाइट स्ट्रक्चर मौजूद है इसको आप कॉर्डा टेंडिनाए कहते हो। ये कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रिंग होते हैं, धागे होते हैं, जो आपके इन वॉल्व के साथ लगे होते हैं। इनके काम क्या होता है? अब ऊपर से इनके ऊपर प्रेशर लगाओगे तो ये खुल जाएंगे और ब्लड नीचे आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा कि अच्छा, ये कॉर्डा टेंडिनाए होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रिंग्स होते हैं, बैंड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का बैंड जो होता है उसको आप कॉर्डा टेंडिनाए कहते हो। और ये कनेक्टेड होता है आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व से, यहाँ पर भी ये लगा हुआ है, ये कनेक्टेड है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व से। ये जो कॉर्डा टेंडिनाए है ना, खुद ये मसल्स के साथ लगे हुए हैं, उन मसल्स को कहते हैं पेपिलरी मसल्स।
तो आपके कॉर्डाइट एंटीनाए जो हैं वो पेपिलरी मसल्स के साथ लगे हुए हैं। होगा क्या यार, देखो जब आपका ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसकी ये वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ये जो मसल्स हैं इनको पेपिलरी मसल्स कहते हैं, जो आपके कॉर्डाइट एंटीनाए के साथ लगी हुई हैं और आपके कॉर्डाइट एंटीनाए इन वॉल्व के साथ लगे हुए हैं। जब आपकी पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो कॉर्डाइट एंटीनाए भी नीचे की तरफ खींचेगा, जब नीचे की तरफ खींचेगा तो इस वॉल्व को भी वो नीचे खींच के रखेगा। वरना क्या होगा, अगर ये मसल्स ना हो, ये कॉर्डाइट एंटीनाए ना हो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना नीचे से आपका वेंट्रिकल, तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो इस वॉल को ऊपर की तरफ धक्का देगा और थोड़ा सा ब्लड लीक करके आपके एट्रिया के अंदर भी जा सकता है। तो इस बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए और इन जो आपके ये वॉल्व हैं इनको अपनी पोजीशन पर रखने के लिए आपकी जो पेपिलरी मसल्स होती हैं वो कॉर्डाइट एंटीनाए की मदद से आपके वॉल्व के साथ लगी हुई होती हैं, ठीक है। इन मसल्स को क्या कहते हैं, पेपिलरी मसल्स। ये थोड़ी ना एक आप ये कह रहे हो पिलर की तरह होती हैं, मसल्स का पिलर है जो मौजूद होता है यहाँ पर। और कॉर्डाइट एंटीनाए क्या होते हैं, ये फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू के स्ट्रिंग्स होते हैं, हमने इसकी बात कर ली। अच्छा मैं डिफरेंस बताऊँ आपको कि आपकी जो ये होती है ना, ये एट्रिया, एट्रिया की जो वॉल्स होती हैं, जो ये वॉल होती है ना एट्रिया की वॉल, ये थिन होती है। एट्रिया की वॉल थिन क्यों होती है यार, उसकी एट्रिया की वॉल थिन इसलिए होती है कि यार उसकी जो बीच वाली लेयर होती होगी ना, बीच वाली मस्कुलर लेयर जो होती है वो बहुत पतली होती है, वो थिन होती है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि यार आप खुद बताओ, एक बंदा है फॉर एग्जांपल जो ना तो वेट लिफ्टिंग वगैरह करता है, कुछ नहीं करता, ठीक है, वो ज़्यादा काम नहीं करता, जब वो ज़्यादा काम नहीं करता तो उसके मसल्स वेल डिवेलप नहीं होती। एट्रिया को भी ज़्यादा काम करना ही नहीं होता, उसको सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके वेंट्रिकल में ब्लड पहुँचाना होता है, तो वो तो हल्की सी ताकत लगाने पर चला जाता है। तो ये इनकी मसल्स वेल डेवलप नहीं होती, जब मसल्स वेल डेवलप नहीं होती तो ये थिन होती है इनकी वॉल, तो एट्रिया की। अब जो वेंट्रिकल जो है ना, एट्रिया के मुकाबले में वेंट्रिकल की वॉल थिक होती हैं, एट्रिया के मुकाबले में वेंट्रिकल की वॉल थिक होती हैं, बिकॉज राइट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड पहुँचाना होता है सिर्फ लंग में, राइट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड पहुंचाना होता है सिर्फ लंग में, ताकि लंग के अंदर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड जाए और वहां पर इसकी ऑक्सीजनेशन हो, और पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जाएगा तो जो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा ना नॉर्मली वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी, तो वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए भेजेगा किसके अंदर, लंग के अंदर भेजेगा, ताकि लंग उसकी ऑक्सीजनेशन कर दे। फिर वो पल्मोनरी वेन के जरिए, किसके जरिए, पल्मोनरी वेन के जरिए ब्लड जो है आपका वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो देखो हमारी बॉडी में नॉर्मली होता क्या है, अच्छा और भी बताता हूँ। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो आया है आपके राइट एट्रियम में, सबसे पहले जो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कहाँ कहाँ से आता है, सबसे पहले वो आपके ये जो ऊपर वाली वेन है, बड़ी वाली वेन है, इसको आप सुपीरियर वेना कहवा कहते हो, ठीक है, तो नीचे वाला है उसको इन्फीरियर वेना कहवा कहते हो। तो सुपीरियर वेना कहवा और इन्फीरियर वेना कहवा दोनों इस राइट एट्रियम में खुल जाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर अपना ब्लड डाल देते हैं जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर वेना कहवा जो है बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, इन्फीरियर वेना कहवा बॉडी के नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। अब दोनों लेके आते हैं तो इसके अंदर डाल देते हैं। इसके साथ साथ एक आपका कोरोनरी साइनस भी होता है, क्या, कोरोनरी साइनस जो कोरोनरी साइनस होता है वो ब्लड लेके आता है आपके हार्ट का, हार्ट को भी ब्लड चाहिए भाई ऑक्सीजनेटेड, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लेके जाएगी कोई चीज़ वो होगी कोरोनरी आर्टरी। देखो लफ्ज़ अगर कोरोनरी आ जाए, ठीक है, या आ जाए कार्डियक, तो समझ जाना हार्ट है, तो कोरोनरी आर्टरी यानी हार्ट की आर्टरी, कार्डियक आर्टरी यानी हार्ट की आर्टरी, तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट के लिए, ठीक है। और जो कोरोनरी साइनस होता है वो एक तरह की वेन है, जो कोरोनरी साइनस है वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है आपके राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में तीन वेन खुलती हैं, सुपीरियर वेना कहवा, इन्फीरियर वेना कहवा, और आपका वो साइनस हो गया कोरोनरी साइनस। आपका जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो आपके लंग से आता है। लंग जो है वो वाहिद चीज़ है जहाँ से जो वेन निकलती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, बाकी जिसको जितनी भी वेन्स आ रही हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं, बट लंग की वेन जिसको आप पल्मोनरी वेन कहते हो, इट इज़ द ओनली वेन जो कौन सा ब्लड लेके आती है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। और जो लेफ्ट जो आपकी पल्मोनरी वेन है वो टोटल चार होती हैं, चार पल्मोनरी वेन जो होती हैं वो आपके लेफ्ट एट्रियम में खुलती हैं, चार पल्मोनरी वेन, ठीक है। और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, देखो हमारी, इसके अलावा हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं ना वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरी हैं वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाते हैं सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकलती है और राइट वेंट्रिकल में मौजूद होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग में, ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन करके पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में भेजते।
और फिर लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो चला जाएगा पंप होके आपके सिस्टमिक एओर्टा के जरिए आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। और उसके अंदर कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, पता नहीं क्या लिख रहा हूँ मैं, बट अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझा करें। ठीक है, तो हमने ये मसल्स की बात कर ली, हमने पेपिलरी मसल्स को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, और तो ये इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है, दो सेप्टम वो दीवार होती है जो दो एट्रिया को अलग करके रखती है ताकि राइट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में मिक्स ना हो। फिर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होती है मेनली मस्कुलर होती है, वो दो वेंट्रिकल को सेपरेट करके रखती है। मैंने जब बात कर रहा था कि यार एट्रिया की वॉल्स थिन होती हैं, वेंट्रिकल की थिक होती हैं, अब मुकाबला करते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल की थिक होती है या राइट वेंट्रिकल की थिक होती है या लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की देखो, ये जो आपको मसल्स की वॉल नज़र आ रही है ये बहुत थिक है। तो मस्कुलर लेयर जो होती है ना, इसकी जो दीवार होती है, जो मसल की वॉल होती है आपकी, किसकी? या जो मायोकार्डियम होती है, मायोकार्डियम भी मसल्स को कहते हैं, जो आपकी मायोकार्डियम है वो आपकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वेल डिवेलप होती है, ज़्यादा थिक होती है। बिकॉज लेफ्ट आपका जो वेंट्रिकल होता है ना, इसे ब्लड पंप करना होता है पूरी बॉडी के पार्ट्स में, और जो राइट वेंट्रिकल होता है उसको ब्लड पंप करना होता है सिर्फ लंग में। तो एक को सिर्फ लंग में भेजना है और एक को बॉडी के हर कोने और कोने में भेजना है। तो इसको ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी। जब भी ज़्यादा जान लगाता है ना आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसकी मायोकार्डियम की लेयर वेल डिवेलप हो जाती है, तो इसकी मस्कुलर लेयर ज़्यादा थिक होती है और राइट वेंट्रिकल की मस्कुलर लेयर थोड़ी थिन होती है। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा चैम्बर था और उसकी जो मेरी थिकनेस थी ना मसल्स की, वो इतनी थी। ठीक है, अब भी मेरा उतना ही चैम्बर है, समझो ये है लेफ्ट का, लेकिन मसल्स मेरी बहुत ज़्यादा थिक हो गई हैं बिकॉज वो बेहतरीन काम कर रही हैं, बहुत जोर लगा रही हैं। तो जब मेरी जो ये मस्कुलर लेयर है वो थिक हो जाएगी, तो मेरे जो अंदर कैविटी है, जो चैम्बर है, वो क्या होगा? पतला हो जाएगा, लेकिन इसका उतना ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो राइट वेंट्रिकल होता है ना, जो राइट वेंट्रिकल होता है उसकी जो कैविटी होती है, जो राइट वेंट्रिकल का चैम्बर होता है, वो साइज़ में ज़्यादा वाइड होता है, और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का चैम्बर होता है वो साइज़ में थोड़ा कम होता है। लेकिन इसके अंदर ब्लड कौन सा होता है? आपका ऑक्सीजनेटेड होता है, और इसमें डी ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, हमने वॉल्व की बात की, हमने कस की बात की कि जो मिट्रल वॉल्व होता है उसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ठीक है, सो ये हमारा डिटेल टॉपिक था, अब हम इसको रीड करते हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, उम्मीद तो करता हूँ। कह रहे हैं हार्ट जो है उसके चार चैम्बर हैं, दो ऊपर वाले हैं जिनकी वॉल थिन है उनको आप एट्रिया कहते हो, और एक होगा तो एट्रियम कहोगे, और जो नीचे वाले दो हैं उनकी वॉल थिक है उनको वेंट्रिकल कहते हो। कह रहे हैं दो लार्ज वेन जो सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा है, जो आपकी बॉडी के पूरे पार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं, वो ओपन कहाँ हो जाती हैं? राइट एट्रियम में। और जो दो आपकी दो पल्मोनरी वेन का पेयर है, दो पेयर हैं यानी कि टोटल चार पल्मोनरी वेन है, वो कहाँ दाखिल होती हैं? लेफ्ट एट्रियम में। और बिकॉज ये पल्मोनरी वेन है, ये लंग से लेके आ रही है कोई ब्लड, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है लेफ्ट एट्रियम में, ये बता चुका हूँ मैं। इसी तरह कह रहे हैं दो बड़ी आर्टरीज होती हैं, जो आपके एक आर्टरी जो है वो आपके राइट वेंट्रिकल से निकलती है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है वो ब्लड लेके जाती है डी ऑक्सीजनेटेड वाला लंग्स के पास, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आयोटा। ठीक है, जो आपके राइट वेंट्रिकल से निकलती है उसको आप क्या कहते हो? पल्मोनरी आयोटा। जो आपके राइट वेंट्रिकल है ना, ये जो यहाँ से निकलती है इसको आप कहते हो पल्मोनरी आयोटा, और जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है उसको क्या कहते हो आप उसको कहते हो सिस्टमिक आयोटा। तो पल्मोनरी आयोटा राइट वेंट्रिकल से लेके जाता है और आपका सिस्टमिक आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके जाता है। यानी राइट एंड लेफ्ट एट्रिया जो हैं एक दूसरे से सेपरेट किए गए हैं बाय वर्टिकल यानी कि सीधा मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन से बना हुआ इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम के जरिए दोनों अलग होते हैं, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल हैं वो एक थिक मस्कुलर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से अलग होते हैं, थिक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से। कह रहे हैं हार्ट के अंदर चार वॉल्व होते हैं, जो हार्ट के चार वॉल्व होते हैं किससे मिलके बने होते हैं? एमसीक्यूज का पार्ट है। जो हार्ट के वॉल्व होते हैं दरअसल वो आपकी एंडोकार्डियम जो होती है ना, हार्ट की वॉल की अंदर वाली लेयर, उसकी फोल्डिंग से बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी एंडोकार्डियम है, तो एंडोकार्डियम डबल फोल्ड हो जाएगी, डबल फोल्ड हो जाएगी तो उसके बीच में कनेक्टिव टिश्यू भी आ जाएगा, तो उसकी वजह से ये आपका वॉल्व बन जाएगा। तो कह रहे हैं जो आपके हार्ट के वॉल्व होते हैं ना, ईच कंसिस्ट ऑफ फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें फ्लैप होता है यानी कि बीच में कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप होता है, और ऊपर में क्या मौजूद होता है? एंडोकार्डियम की लेयर मौजूद होती है। तो ईच कंसिस्ट ऑफ फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड जो है बैकवर्ड फ्लो ना करे। तो राइट एट्रियम है वो खुल जाता है राइट वेंट्रिकल में, किसकी मदद से?
बाय एट्रियो वेंटिकुलर वॉल्व। जब एट्रियो वेंटिकुलर वॉल्व जो है वो राइट एट्रियम और राइट वेंटिकल का जो होता है उसको हम ट्रैक स्पीड कहते हैं, बिकॉज उसके तीन कस्प होते हैं। तो राइट वाले के जो तीन कस्प होते हैं राइट का एट्रियो वेंटिकुलर वॉल्व, जिसको ट्रैक स्पीड वॉल्व कहते हो, उसके जरिए राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंटिकल में आ जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम होता है वो लेफ्ट वेंटिकल में खुलता है बाय एन अदर एट्रियो वेंटिकुलर वॉल्व, जिसको आप बाइक स्पीड वॉल्व कहते हो या मिट्रल, मिट्रल बाइक स्पीड वॉल्व को कहते हो, जो लेफ्ट में मौजूद होता है। आपने याद रखनी है बात, ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं ना, एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में जो होते हैं, दे आर एंकर्ड बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। ये स्ट्रॉन्ग फाइबर्स के जरिए चिपके होते हैं, एंकर किए जाते हैं, इनके लगे हुए होते हैं किसके साथ, जो इनका काम क्यों क्या, उनको हम कहते हैं कॉर्डेड एंटेनाए। ठीक है, उसका मैं बता चुका हूँ डायग्राम में, इस पर नहीं लिखा हुआ। तो जो कॉर्डेड एंटेनाए होते हैं वो क्या करते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के साथ चिपके हुए होते हैं और बचाते इस तरह हैं कि ऐसा ना हो कि जब आपका जो वेंट्रिकल है वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये वाला वेंट्रिकल, दोबारा इसको दूसरी डायग्राम से देखते हैं हम, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से आपके ये वॉल्व ऊपर चले जाएं और ब्लड आपके एट्रिया में दोबारा घुस जाए। तो इस चीज़ से बचाने के लिए क्या होता है कि जो आपके वॉल्व होते हैं वो कॉर्डेट एंटेनाए के जरिए आपकी पेपिलरी मसल्स के साथ लगे होते हैं। ठीक है, प्रेशर जो जनरेट होता है ना बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, अच्छा जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, इसको सिस्टोल कहते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अगर एट्रिया एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करे तो एट्रियल सिस्टोल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, ठीक है, तो बहुत पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वो बहुत पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर डिवेलप हो जाता है। उससे ये नुकसान ये हो सकता है कि आपका जो ब्लड है वो वापस एट्रिया में चला जाए। तो इस एट्रिया में ब्लड को जाने से बचाने के लिए आप क्या करते हो, आपके जो ये वॉल्व होते हैं ये कॉर्डेट एंटेनाए के जरिए, इन कॉर्डेट एंटेनाए विच आर द फाइबरस स्ट्रैंड फाइबर्स, इनके जरिए वो आपके पेपिलरी मसल्स के मदद से अटैच होते हैं आपके नीचे, ताकि जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये मसल्स भी इसको नीचे खींच लेंगे। जब नीचे खींच लेंगी तो जितना भी प्रेशर हो ये वापस ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, हमने इसकी बात की। तो ये एवी वॉल्व का काम ये होता है कि वो वेंट्रिकल से दोबारा एट्रिया में ब्लड नहीं जाने देते। एवी वॉल्व क्या करते हैं, एवी वॉल्व जो होते हैं वो बैकवर्ड फ्लो वेंट्रिकल से एट्रिया में रोकते हैं। फिर होते हैं सेमी लूनर वॉल्व, जो कहाँ पर होते हैं, पल्मोनरी आयोटा में और सिस्टमिक आयोटा में होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से ब्लड जो एग्जिट करता है, जो सिस्टमिक आयोटा होता है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और जो पल्मोनरी आयोटा होता है वो राइट वेंट्रिकल से निकलता है। जो ब्लड इज पम्प आउट इनटू आर्टरीज थ्रू सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व के जरिए वेंट्रिकल से ब्लड निकल के इनके अंदर जाता है। सेमी लूनर वॉल्व के जरिए वेंट्रिकल से ब्लड निकल के, यह सेमी लूनर वॉल्व ये है पल्मोनरी आयोटा में, और ये जो आपका सिस्टमिक आयोटा है इसके अंदर भी यहाँ पर एक वॉल्व लगा होगा जिसको आप क्या कहोगे, एन अदर सेमी लूनर वॉल्व ऑफ आयोटा, तो आयोटिक सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, ये अपनी लेबलिंग याद रखनी है बस, कि राइट एट्रियम है ये जो है, ये राइट पल्मोनरी वेन है जो लेफ्ट एट्रियम में खुलेंगी आगे जाकर, हमें यहाँ से नज़र नहीं आ रहा बट पीछे से वो लेफ्ट के अंदर ही खुलेंगी, और ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है। टोटल चार पल्मोनरी वेन जो होती हैं वो लेफ्ट एट्रियम में खुलती हैं, जो दो सुपीरियर वेन है कहवा, इन्फीरियर वेन है कहवा, और कोरोनरी साइनस जो है वो राइट एट्रियम में खुलते हैं। इसके बाद हम कर चुके हैं, खैर आगे बढ़ते हैं। तो करें जो सेमी लूनर वॉल्व होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड जो है ना आपके दोबारा आयोटा से, आपके सिस्टमिक आयोटा से और पल्मोनरी आयोटा से दोबारा वेंट्रिकल के अंदर ना आ जाए, विच आर फोर्स ओपन बाय प्रेशर। अच्छा, इनकी खास बात यह है कि आप इनको नीचे से वेंट्रिकल से प्रेशर लगाओगे तो खुल जाएंगे, लेकिन अगर बैकवर्ड प्रेशर इनके ऊपर लगेगा ना तो ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं विच आर ओपन बाय प्रेशर बाय वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना वेंट्रिकुलर सिस्टोल की कंडीशन में, जब आपका हार्ट बीट होती है तो आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, इसको हार्ट बीट कहते हैं। एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करे एक दफ़ा रिलैक्स करे, इसको हार्ट बीट कहते हैं। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दरमियान प्रेशर डिवेलप हो जाता है, और प्रेशर की वजह से आपके ये वॉल्व खुल जाते हैं और ब्लड कहाँ चला जाता है, आपके इन आयोटा में चला जाता है। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाता है, जब वेंट्रिकल प्रेशर कम हो जाता है तो ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। जब याद रखो, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है चीज़ हमेशा वहाँ से उस तरफ जाती है जहाँ प्रेशर कम होता है। तो अब ब्लड वापस यहाँ से भागने की कोशिश करता है कि वापस वहाँ चला जाऊँ जहाँ प्रेशर कम है, बट जब ऊपर से प्रेशर लगेगा ब्लड का इस वॉल्व के ऊपर तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगे, वॉल्व बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो वेंट्रिकल रिलैक्स करता है जब, और ब्लड जो है बैकवर्ड फ्लो करने की कोशिश करता है हार्ट की तरफ, तो सेमी लूनर वॉल्व बंद हो जाते हैं, विच प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द वेंट्रिकल, जिससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में दोबारा नहीं जाता। कह रहे हैं जो कैविटी होती है ना लेफ्ट वेंट्रिकल की, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी कैविटी नैरो होती है। रीज़न क्या है इसका, राइट वेंट्रिकल के मुकाबले में नैरो होती है, बिकॉज जो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी मसल्स ज़्यादा डेवलप होती हैं, ज़्यादा मस्कुलर वॉल्स होती हैं लेफ्ट में, तो वो उसकी जो कैविटी है वो नैरो होती है। बट हाँ,
जो आपकी राइट वेंट्रिकल है उसकी कैविटी तो नैरो नहीं होती, बहुत वाइड होती है, बट उसकी मसल्स जो होती हैं वो पतली होती हैं। और ये रीज़न क्या है कि मस्कुलर वॉल लेफ्ट की ज़्यादा मोटी हैं, वेल डिवेलप है, इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट जो राइट वेंट्रिकल हैज़ टू पम्प ब्लड ओनली इन टू द लंग, बट जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। राइट वेंट्रिकल के जरिए ब्लड हार्ट में आपके लंग में जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी एओर्टा, इस चीज़ को आप पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हो। फिर आपके लंग से ब्लड आता है पल्मोनरी वेन के जरिए आपके लेफ्ट एट्रियम में। दो लेफ्ट पल्मोनरी वेन होती हैं और दो राइट पल्मोनरी वेन होती हैं। दो लेफ्ट और दो राइट पल्मोनरी वेन के जरिए ब्लड आता है आपके लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड होता है, और इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। फिर जब लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू डिफरेंट आर्टरीज में डिवाइड होकर आपकी पूरी बॉडी में चला जाता है, इसको आप सिस्टमिक सर्कुलेशन का नाम देते हो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा हार्ट का टॉपिक, बहुत डिटेल टॉपिक था। यहाँ से हम एमसीक्यूज भर भर के आते हैं और मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, इंशाल्लाह जो आपको नीचे हार्ट बीट के फिनोमेना में मदद देंगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम हार्ट बीट को डिस्कस करेंगे कि हार्ट बीट होती क्या है और कार्डियक साइकिल क्या होती है और जो हार्ट के साउंड्स पैदा होती हैं वो कैसे होती हैं। ठीक है, और ये कि ये जो ये ए वी नोड है, एस ए नोड है, इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम भी कहते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।